गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ अफोर्डेबल लिप लानर्स कम लिपस्टिक्स। सो जिन लिप लानर्स को मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये NYBK लिप लानर्स। और इन लिप लानर्स को मैं एज अ लिपस्टिक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन लिप लानर्स को आप एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो। इसलिए सो इस वीडियो के लिए आप में से काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप NYBK लिप लानर्स का रिव्यू एंड स्वाचेस देखना चाहते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो आप कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जरूर ही करना है, स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये लिप लानर्स उनको काफी पसंद आने वाले हैं। इसलिए तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली NYBK ने लॉन्च किए हैं अपने न्यू लिप लानर्स, और इस टाइम इन्होंने टोटल 10 शेड्स लॉन्च किए हैं अपने लिप लानर्स में। सो टोटल 10 शेड्स मेरे पास हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस की। सो इनका प्राइस है जस्ट 125 रुपीज, बट आपको पता होगा कि NYBK का जो MRP होता है उसके बाद भी आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है अच्छा खासा। सो आफ्टर डिस्काउंट ये लिप लानर्स आपको मिल जाएंगे 110 से लेके 115 रुपीज में, विच इज आई थिंक अगेन अफोर्डेबल, क्योंकि आप इन लिप लानर्स को एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो। सो लिपस्टिक कम लिप लानर्स, नो लिप लानर्स कम लिपस्टिक अंडर 115, अंडर 125 रुपीज, अंडर 115 रुपीज, अगेन इट्स अ ग्रेट डील। ओके सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी पैकेजिंग की। तो ये नॉर्मल इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आते हैं, ब्लैक कलर का ये पेंसिल शेप में इसकी पैकेजिंग है। इसके पैकेजिंग पे लिखा होगा NYBK एंड इट सेज लिप लाइनर, क्लियरली यू कैन सी। इस टाइम इन्होंने मेंशन किया है इसमें आपको कितने ग्राम्स की क्वांटिटी मिल रही है। इस टाइम इस लिप लाइनर में आपको 0.25 ग्राम्स की क्वांटिटी, ये कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सारा एड्रेस इसमें मेंशन किया गया है। एंड इधर आपको इसके कैप पे आप देख सकते हो, इसके कैप पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ मेंशन की गई है इस तरीके के स्टिकर के साथ। ये व्हाइट वाला स्टिकर, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट मिल रही है जो की है 4/18, और एक्सपायरी डेट मिल रही है जो की है 3/21। तो आप अच्छे से इसे यूज कर सकते हो काफी टाइम तक। और अगेन इसके कैप पे आपको एक कलर कोडिंग के साथ स्टिकर मिल रहा है जिसपे इसका शेड नेम, शेड नंबर एंड कलर कोडिंग दी है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास कौन सा शेड है। इनर पैकेजिंग की बात करें तो ये कुछ इस तरीके के साथ ओपन होता है। सो आप इसमें एक आवाज सुन सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा आपका लिप लाइनर अच्छे से क्लोज हो गया है। तो ये काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, आप बैग में रख सकते हो। साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल है, तो इजिली आप क्लच में भी कैरी कर सकते हो। अगर आप काफी सारी लिपस्टिक्स को ट्राई करना चाहते हो, कहीं बाहर जा रहे हो बट आप काफी सारे लिपस्टिक्स रख नहीं सकते, तो इस तरीके के लिप लाइनर्स काफी अच्छे हैं ट्रैवलिंग के लिए। नेक्स्ट जो सबसे अच्छी चीज है वो ये कि रिट्रैक्टेबल और रोटेबल काइंड ऑफ पैकेजिंग में है। सो जिससे आपको इसे बार बार शार्प नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली निकालना है, अप्लाई करना है एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। और इससे आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होगा। तो आपको जितना क्वांटिटी मिल रही है 0.25 ग्राम्स, आप टोटल क्वांटिटी को यूज कर सकते हो, बट जो शार्पन वाली पेंसिल्स होती हैं, शार्प वाले लिप लाइनर्स होते हैं, उसमें आपका आधा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। सो ये मुझे इसके अंदर सबसे अच्छी लगी। सो पैकेजिंग इज रियली नाइस, हैंडी डैंडी सी है, अच्छी पैकेजिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन की। सो ये लिप लाइनर्स जो हैं बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि ग्लाइड हो जाएंगे आपके लिप्स पे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये बिल्कुल हार्श या हार्ड लिप लाइनर्स भी नहीं है, इन बिटवीन है। सो मैं इनको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। सी सो कुछ इस तरीके के हैं, अप्लाई करने में बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं है बट बहुत इजिली अप्लाई होते हैं। बट इसके कुछ शेड जो है वो क्रीमी भी हैं, क्योंकि मैंने ट्राई करा है जो लिप स्वॉचेस मैं आपको दिखाऊंगी। सो उसमें जो मैंने नोटिस किया कि कुछ लिप लाइनर्स के काफी क्रीमी है अप्लाई होने में। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी फॉर्मुलेशन की, तो ये काफी अच्छे फॉर्मूला के हैं, सॉफ्ट है, पिगमेंटेड है, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेंगे। लोग सोचेंगे यार क्रीमी नहीं है तो आपके लिप्स को बहुत ड्राई करेंगे, नहीं, ड्राई लिप्स वाले भी इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, और जिनके नॉर्मल लिप्स हैं तो उनके ऊपर तो ये बिल्कुल इजिली अप्लाई हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूं, तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ की पिगमेंटेशन, आपको एक सिंगल स्वाइप में इतनी अच्छी पिगमेंटेशन मिल जाती है एक बार में। सो आपको बार बार रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन की बात करूं तो ये बहुत ईजी है, आउटलाइन करना है, सिंपली आपको अपने लिप्स पे फिल करना है। आप एज अ लिप लाइनर ट्राई करना चाहते हो कर लो, एज अ बेस कोट लाइक लिपस्टिक के लिए एज अ बेस कोट ट्राई करना चाहते हो कर लो, आप इसे एज अ लिपस्टिक भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैंने जो शेड इस टाइम पे लगाया हुआ है वो मेरा फेवरेट शेड है, और आई थिंक ये यही शेड है, ये है शेड नंबर 9, जो कि रेड कलर है, रेड पिंक रेड कलर।
The shade is amazing, like amazing. It's look beautiful on every skin tone. Okay, next अगर हम बात करें शेड रेंज की तो इनकी शेड रेंज बहुत ह्यूज नहीं है क्योंकि इन्होंने सिर्फ 10 शेड्स लॉन्च किए हैं. बट इस 10 शेड्स में बहुत ज्यादा रेड्स नहीं है, बहुत ज्यादा प्लमी ऑरेंज ऐसे शेड्स नहीं है. मोस्टली पिंक, ब्राइट पिंक, पर्पल, न्यूट कलर, जो इस तरीके के इन्होंने शेड्स दिए हैं. एंड आई थिंक थोड़े रेड्स एड कर देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता, बट फिर भी इन्होंने दो रेड शेड इसमें एड किए हैं, पिंक्स एड किए हैं, पर्पल एड किया है, ब्राइट बेबी पिंक कलर एड किया है एंड दो न्यूट शेड. और जो दो न्यूट शेड है वो ये है, जो कि इन्होंने आई थिंक नोटिस करके 5 और 6 ये दो न्यूट शेड है. एक जो मीडियम फेयर स्किन टोन पे अच्छा लगेगा, एक फेयर टू लेके डस्की स्किन टोन पे अच्छा लगेगा. ये दो न्यूट शेड है एंड बाकी जो है वो मोस्टली पर्पल, पिंक्स, रेड पिंक्स ऐसे कलर के शेड्स हैं. तो शेड रेंज इज क्वाइट ओके. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि ये लिप लाइनर्स ट्रांसफर होते हैं या नहीं, सो हाँ ये लिप लाइनर्स ट्रांसफर होते हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं अपने बैक ऑफ हैंड पे से किस करके आपको दिखा रही हूँ. सो ये टिनजी मिन्जी अमाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, बट ये बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं हुए हैं, लाइक नाम के लिए ट्रांसफर हुए हैं. नेक्स्ट अगर आप कोई कॉफी, चाय, पानी कुछ भी ऐसा पी रहे हो, सो आपको मैं कप पे दिखा रही हूँ कि ये कितने ट्रांसफर हो सकते हैं. सो ये अगेन बहुत लिटिल अमाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं. सो या नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये लिप लाइनर्स आपके लिप्स पे कितनी देर तक स्टे करेंगे या फिर इनकी स्टेइंग पावर कितनी देर की है, तो ये लिप लाइनर्स आपके लिप्स पे इजिली 4 to 5 hours तक रहेंगे बिकॉज ये लिप लाइनर्स आपको कम्प्लीटली मैट फॉर्मूला दे रहे हैं, लाइक कम्प्लीटली मैट लुक दे रहे हैं. अगर ये क्रीमी होते तो बहुत जल्दी उतरने की चांसेस थे, बट ये कम्प्लीटली मैट है. मैंने आपको दिखा दिया कि ये ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे. सो ये आपके लिप्स पे इजिली 4 to 5 hours रहेंगे विदाउट टच अप. बट अगर आप कुछ ऑयली खा रहे हो सो ये फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे. लिक्विड लिपस्टिक्स भी इजिली फेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये तो बेचारे बच्चे लिप लाइनर्स हैं, तो ये भी लिप लाइनर्स डेफिनेटली फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट मोस्टली लिप लाइनर्स जो होते हैं आपके क्रैक्स में सेट हो जाते हैं या फिर थोड़े से पैची दिखते हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इन लिप लाइनर्स के साथ, ये बिल्कुल भी ऐसे सेट नहीं होंगे. बस जो मुझे एक शेड लिटिल बिट लगा जो थोड़ा सा पैची दिख सकता है, वो है ये शेड नंबर 3 प्राइवेट रूम कराको, ऐसा करके थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्राइट कूल टोन पिंक कलर है. सो लिटिल बिट ये आपके लिप्स से पैचे दिख सकता है, बट अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल कलर. अदरवाइज सारे लिप शेड्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाले हैं हमारे इंडियन स्किन टोन पे. मुझे ये लिप लाइनर्स काफी अच्छे लगे, काफी अफोर्डेबल है, क्वालिटी अच्छी है, फॉर्मूला अच्छा है, स्टेइंग पावर अच्छा है, एवरीथिंग आई थिंक इट्स गुड. सो ये था मेरा NYBay लिप लाइनर्स के ऊपर रिव्यू. आई होप आपके लिए रिव्यू हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आएगा. सो अब हम देखेंगे इन NYBay लिप लाइनर्स का लिप स्वाचेस. तो जल्दी से देखते हैं इनके लिप स्वाचेस. फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया पे, उसके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.